बीटीवी न्यूज भंडारा डिस्ट्रिक्ट स्पेशल। आज 18 अगस्त के दिन अभी यहाँ हम सुबह 10 बजे कारधा का जो छोटा पुल है यहाँ पर आए हैं। तो ये वैनगंगा नदी का जो बाढ़ का पानी है ये उतरने के बाद यहाँ की स्थिति क्या है ये हम आपको दिखाते हैं। ये अभी छोटे पुल के ऊपर से जो बाढ़ का पानी है ये उतर चुका है और इस साल जो दूसरी बार ये यहाँ बाढ़ आई है वैनगंगा नदी पर, तो उससे पुल का और कितना नुकसान हुआ है छोटे पुल का ये हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो छोटा पुल है वो कहीं कहीं से उखड़ गया है। बीडी न्यूज हिंदी YouTube चैनल। तो ये पूरी तरह से पानी उतर चुका है और बहुत नीचे जा चुका है। कल शाम तक बहुत धीरे धीरे बाढ़ का पानी उतर रहा था, लेकिन आज बहुत तेज़ी से उतर गया है और यहाँ पर देख सकते हैं कितना नीचे आया हुआ है। तो ये जो दूसरी बार बाढ़ आई थी उससे पहली बार जो बाढ़ आई थी उससे ज़्यादा नुकसान हुआ है और जो भंडारा के लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है, क्योंकि बहुत से लोगों के जो खेत जो वहाँ पर जो रोना किए थे वो पूरी तरह से बह गया है, पानी में गया है। और अभी ये यहाँ पर जो पुल के ऊपर बाढ़ की वजह से जो नुकसान हुआ उसका रिपेयरिंग का काम चल रहा है। पेपर में आएंगे क्या? यूट्यूब। तो भैया ये क्या क्या नुकसान हुआ यहाँ पर बाढ़ की वजह से? ये पूरा फाइबर ऑप्टिक हमारी पूरी बहके गई। ये BSNL की लाइन है? ये BBNL। BBNL यानी BSNL का ही ना, ये नाम नया नाम हो गया BBNL। तो इससे ये पूरी उखड़ गई है लाइन, उखड़ गई है पूरे। ये पाइप बह गए हमारे, ये पाइप देखो। हाँ पाइप है ना साइड में, ये पूरे बह गए लोहे के पाइप। अच्छा, यहाँ पर जो लोहे के पाइप लगे हैं वो भी बह गए हैं पुर की वजह से। और यहाँ जो BBNL है इसका अच्छा खासा नुकसान हुआ है और ये इस साल दूसरी बार बाढ़ आई है। तीसरी बार है ये। अच्छा, तो ये पहली बार बाढ़ आई थी तब भी ये नुकसान हुआ था क्या? तब भी केबल बह के गए। अच्छा, अभी ज्यादा हो गए। अभी ज्यादा हुए यानी तीनों बार केबल बह के चले गए। चार दिन पहले और एक बार आ गया था पूरे। अभी चार दिन बाद और तीन दिन बह के गया। हाँ हाँ, 15 दिन पहले एक बार आया था। अच्छा अच्छा, हाँ 15 दिन पहले आया था, गए महीने के 18-20-22 तारीख को। तो ये तीसरी बार यहाँ पर ये वैनगंगा नदी के ऊपर जो कारधा में जो छोटा पुल है जो अंग्रेजों के ज़माने में बना हुआ उसके ऊपर तीसरी बार पानी चढ़ा है और उस वजह से यहाँ जो BBNL का जो केबल की लाइन थी वो पूरी तरह से उखड़ चुकी है और अभी ये भैया इसके रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं। तो इस पुल का तो नुकसान हुआ ही है, वो आगे से उखड़ गया है और ये BBNL का भी नुकसान हुआ है अच्छा खासा। अभी इनका रिपेयरिंग का काम चल रहा है। तो अभी हम आगे कहाँ से पुल फूटा है ये दिखाते हैं। अभी 4-5 दिन पहले जो बारिश जो यहाँ बाढ़ आई थी तो उसकी वजह से जो कुछ दिनों पहले बाढ़ आई थी तो उससे जो यहाँ पुल फूटा था अभी उससे ज़्यादा फूट गया है, ये हम आपको दिखाते हैं आगे से। ये जो बाढ़ का पानी है बहुत स्पीडली रात में उतर चुका है और यहाँ बहुत नीचे जा चुका है ये। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कभी पुर आया ही नहीं था, इतना कम हो चुका है पानी। लेकिन ये जो बाढ़ आई थी इसने इस
छोटे पुल का, जो कारधा का छोटा पुल है, ये बड़ा पुल है और ये छोटा पुल है, तो इसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। ये देखिए कैसे फूट गया है ये। इसके पहले जब 2020 में जो महापुर आया था, जो बहुत ही खतरनाक तरीके से इस पुल का नुकसान किया था, उखड़ गया था, लेकिन ये अभी उससे ज़्यादा उखड़ गया है। यहाँ का जो कंक्रीट का लेयर है, ये पुल के ऊपर का, ये पूरी तरह से उखड़ के साइड में हो गया है। और ये जो अंग्रेजों के ज़माने में बना हुआ जो पुल है, जो वहाँ का किस तरह का कंस्ट्रक्शन रहा होगा, ये पूरी तरह से दिख रहा है। ये देख सकते हैं, ये यहाँ की जो नीचे के जो पत्थर है, जो पत्थर पे जो ये पुल खड़ा है, तो ये दिख रहा है, यानी नीचे का जो बेस है ये दिख रहा है, ऊपर का जो कंक्रीट है ये तो उसके ऊपर का लेयर है, लेकिन ये नीचे का हिस्सा दिख रहा है पूरा। ये इस तरह से पूरी तरह से उखड़ चुका है। और ये जो भंडारा के लोग हैं, यहाँ देखने के लिए आ गए हैं, पुल का मुआयना करने आ गए हैं। तो कैसा लग रहा है, ये अभी पूरा मुआयना करके आए हैं? पूरा खराब हो गया ये तो। और क्या क्या देखा आपने? बड़े बड़े झाड़ वगैरह फंसे हुए हैं। हाँ, और टूट फूट गया है पूरा, निकल गया। हाँ, ये पहले से ज्यादा फूट गया है, ये पहले से ज्यादा फूट गया है ये। हाँ, पानी का फोर्स बहुत था, तो ये देखो सीमेंट का ये, ये आप देख सकते हैं, ये पूरा यहाँ का जो है ये दूसरे साइड आ गया है पुल के ऊपर। ये इस साइड का है, यहाँ से उखड़ा हुआ है ये, और पानी का इतना फोर्स था कि ये पूरा इस साइड बह के आया है, और बाकी का तो नीचे गया होगा, पानी के अंदर गिरा होगा। तो अभी हम आगे देखते हैं और क्या नुकसान हुआ है। अगर आपने BD न्यूज हिंदी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए, ताकि आपको हमारे जो गणेश महोत्सव है, गणेश चतुर्थी है, कानोबा है और नवरात्र है, इसके जो वीडियो जाएंगे तो उसके उस वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकेंगे। और यहाँ का रोज का जो अपडेट है भंडारा ज़िले का, वो आपको मिलते रहेगा। तो इसके लिए आप BD न्यूज हिंदी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। तो यहाँ से भी आगे से ये देख सकते हैं, यहाँ से भी उखड़ चुका है ये। तो जो 2022 में, जो 2020 में जो महापुर आया था, तब भी इतना उखड़ा नहीं था, लेकिन इस बार ये ज़्यादा उखड़ चुका है, क्योंकि अभी की जो बाढ़ आई थी उसमें इतना फोर्स था कि ये पुल का बहुत ज़्यादा नुकसान किया है। ये पूरी तरह से ये उखड़ा हुआ आप देख सकते हैं। और ये इधर भी जो BBNL के जो लोग हैं, वो जो इसकी केबल की लाइन है रिपेयर कर रहे हैं। जब भी यहाँ पर बाढ़ आती है तो इनका काम यही रहता है, क्योंकि ये पूरी तरह से उखड़ जाती है लाइन। और ये हम और आगे दिखाते हैं क्या है इस पुल से, क्या क्या नुकसान हुआ है। तो ये पुल के जो साइड में है, जो ये कचरा अटका हुआ है, क्योंकि कचरा अच्छा खासा बह के आया है। इस बार कचरा ही यहाँ पर दिख रहा है, जो 2020 के महापुर में यहाँ पर बड़े बड़े जो लकड़े थे वो यहाँ पर अटके हुए थे।
यहाँ पर आगे दिख रहा है। ये इधर भी जो BBNL के लोग हैं, ये यहाँ पर रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पुल का अच्छा खासा नुकसान हुआ है, उखड़ चुका है, और अभी प्रशासन को इनके रिपेयर करने की ज़रूरत है। जल्द ही ये रिपेयरिंग का काम शुरू हो जाएगा ऐसा लगता है, लेकिन प्रशासन ने अभी भी 21 तारीख तक येलो अलर्ट का कॉल दिया है। लोगों को कहा है कि कभी भी फिर से ऐसी सिचुएशन आ सकती है, तो ये येलो जोन में चला गया है और येलो अलर्ट दिया है, तो फिर से बारिश आ सकती है और फिर से बाढ़ आ सकती है, ये इसका अंदेशा है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर पूरा कचरा अटका हुआ है। ये पुल के दोनों साइड कचरा अटका हुआ है। इस साइड जो इकार्निया वनस्पति है, जो इकार्निया प्लांट है, ये यहाँ पर लटके हुए हैं। इसने ये पूरे नदी को घेरा हुआ था, और नदी में जहाँ देखो वहाँ इकार्निया प्लांट दिख रहे थे, लेकिन अभी ये बाढ़ की वजह से पूरी तरह से साफ हो गए हैं, और यहाँ पर ये पुल पर लटके हुए आपको दिख रहे हैं। तो ये इस साइड ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है पुल का, लेकिन यहाँ पर जो कचरा है वो बहुत ज़्यादा अटक गया है, और ये आप देख सकते हैं ये पूरा लटका हुआ है। तो ये इस तरह से जो अभी बाढ़ आई थी, इससे इस जो कारधे के छोटे पुल का जो अंग्रेजों के ज़माने में बना हुआ है, इसका अच्छा खासा नुकसान हुआ है, और ये यहाँ आगे तक इस पुल का एंड होता है, और इधर ठीक ठाक है पुल, लेकिन जो बीच में है, क्योंकि बीच में जो बाढ़ के पानी का फोर्स बहुत ज़्यादा था, इस वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा बीच में नुकसान हुआ है, और आगे पुलिस की ड्यूटी लगाई गई है, क्योंकि ये पुल के ऊपर से लोग गाड़ियों से आना जाना करने की कोशिश कर सकते हैं इस वजह से। तो ये है पुल, ये दूसरे साइड से, और लोग ये पुल का मुआयना करने के लिए आते ही जा रहे हैं। तो इस तरह से ये हमने आपको जो कारधे का छोटा पुल है, पूरा कंप्लीट पुल का जो कारधा का पुल है उसका क्या नुकसान हुआ है ये दिखाया है। तो आपको यह वीडियो कैसे लगा यह हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, और अगर आपने BD न्यूज हिंदी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए, ताकि आपको हमारे जो गणेश चतुर्थी, कानोबा, नवरात्र के जो वीडियो जाएंगे, और दिवाली दशहरा के भी जो वीडियो जाएंगे, तो उसके आपको नोटिफिकेशन मिल सके। क्योंकि अभी जो भंडारा का गणपति है, भंडारा का राजा, और गणेशपुर का राजा, जो गणेशपुर का बहुत ही फेमस गणपति है, तो वो बहुत बड़े तौर पर उसका डेकोरेशन करने वाले हैं और मनाने वाले हैं। तो वहाँ पर मेला, और जो पहले नारियल का गणपति की, जब वहाँ पर नारियल का गणपति बना था, गणेशपुर का राजा जो नारियल में बना था, तो वहाँ जो पूरे जिले की पब्लिक वो गणपति देखने के लिए आए थे, उसी तरह
इस साल भी बहुत बड़े तौर पर ये गणेशोत्सव मनाया जा रहा है, तो उसके वीडियोज देखने के लिए आप डीडी न्यूज हिंदी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए, क्योंकि अगर आपने बेल आइकन का बटन नहीं दबाया तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएंगे और आपको ये वीडियोज देखने को नहीं मिलेंगे। तो यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, ताकि अपने भंडारा ज़िले की न्यूज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। बीडीवी न्यूज भंडारा डिस्ट्रिक्ट स्पेशल, हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।